हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अमन और फैक्ट ऑफ द डे में आपका स्वागत है। सो गाइस, 2020 साल स्टार्ट हो चुका है और इस साल पूरी दुनिया में कई बड़ी घटना होने की संभावना है। कुछ खेल से जुड़ी है तो कुछ रक्षा क्षेत्र से जुड़ी, कुछ संस्कृतियों से जुड़ी है तो कुछ राजनीति से जुड़ी, और गाइस कुछ है अर्थव्यवस्था बदलाव तो कुछ है धार्मिक बदलाव। तो चलिए, हमेशा की तरह बिना टाइम वेस्ट किए हम जानते हैं 2020 हमसे क्या कहेगा। सो गाइस, हमारी लिस्ट में फर्स्ट नंबर पे आता है निर्भया कांड रिजल्ट। सो गाइस, निर्भया के दोषियों को साल 2020 7 जनवरी में फांसी मिलेगी। और गाइस, अभी तक उनकी क्यूरेटिव और दया याचिकाओं की प्रोसेस चल रही थी और इनकी फांसी को लेकर देश में कई बार प्रदर्शन भी हो चुका है। नाउ गाइस, हमारी लिस्ट में सेकंड लिस्ट पे आता है 2020 ओलंपिक। खेलों का इम्पोर्टेंट यानी ओलंपिक 2020 24 जुलाई से शुरू होगा। और गाइस, इस ओलंपिक में ई वेस्ट से बने मेडल दिए जाएंगे जो कि एक बहुत अच्छी बात है। लेकिन गाइस, सबसे खास बात तो यह है कि इस ओलंपिक में पहली बार दर्शकों से लेकर मैदान तक रोबोट हेल्प करेंगे। नाउ गाइस, हमारी लिस्ट में थर्ड नंबर पे आता है चंद्रयान 3। इसरो का सबसे बड़ा लॉन्च होगा चंद्रयान 3 और ये लॉन्च इसी साल 2020 में होगा और इसका बजट चंद्रयान 2 से कम होगा और इसके अलावा और भी इम्पोर्टेंट सैटेलाइट इसरो लॉन्च करेगा जो देश और लोगों के मदद के लिए होंगे। वेदर, कम्युनिकेशन, डिफेंस और एग्रीकल्चर में हेल्प करेगा। नाउ गाइस, हमारी लिस्ट में फोर्थ नंबर पे आता है T20 वर्ल्ड कप। T20 वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया में खेला जाएगा और ये अक्टूबर में शुरू हो जाएगा और इसका फाइनल मेलबोर्न में खेला जाएगा। और गाइस, इस बार तो इसमें 16 टीम हिस्सा लेके इसे और रोमांचक बना देगी। वेल गाइस, हमारी लिस्ट में फिफ्थ नंबर पे आता है राम मंदिर। सो गाइस, अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण चालू हो जाएगा। अयोध्या में बरसों से चल रहा इंतजार अब खत्म हुआ। गाइस, 9 फरवरी के पहले सेंट्रल गवर्नमेंट राम मंदिर ट्रस्ट को बिल्ड करेगी और इसी साल 2 अप्रैल राम नवमी पर मंदिर का निर्माण शुरू हो सकता है। नाउ गाइस, हमारी लिस्ट में 6 नंबर पे आता है अंडर 19 वर्ल्ड कप जो युवाओं के लिए खेला जाता है। 2 साल के बाद खेले जाने वाले अंडर 19 वर्ल्ड कप क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी इस बार साउथ अफ्रीका में खेला जाएगा। 17 जनवरी से लेकर 9 फरवरी तक ये टूर्नामेंट चलेगा और भारतीय टीम पीएम गर्ग की कप्तानी में खेलेगी। नाउ गाइस, हमारी लिस्ट में 8 नंबर पे आता है NRC और NPR। सो गाइस, देश में सिडिशन अमेंडमेंट एक्ट 2019 के बाद NRC और NRP देश में लाया जा सकता है। इससे देश में नागरिकता को लेकर कई चेंजेस होने की उम्मीद है। विरोध प्रदर्शन और दंगे होने की भी संभावना है क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट के इस फैसले का विरोध काफी जोर शोर से किया जा रहा है। नाउ गाइस, हमारी लिस्ट में 9th नंबर पे आता है बांग्लादेश सीमा पर BSF लगाएंगे फेंसिंग। आसाम और बांग्लादेश जल सीमा पर जुलाई तक स्मार्ट फेंसिंग लगाने का काम पूरा होने की उम्मीद है। बारिश और बाढ़ के कारण इस काम में देरी हो गई। बल गई, हमारी लिस्ट में 10th नंबर पे आता है CRPFO की छुट्टी। सो गई, हमारे देश के CRPF जवानों को 100 दिन की छुट्टी दी जाएगी। हमारे गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में कहा है कि CRPF जवानों ने हमारे देश के लिए बहुत बलिदान दिया है, इसलिए हम चाहते हैं कि वो अपने परिवार के साथ 100 दिन बिताएं। सो गई, हमारी लिस्ट में 11th नंबर पे आता है विधानसभा चुनाव। साल 2020 में दिल्ली और बिहार में विधानसभा चुनाव चलेंगे। दिल्ली से अरविंद केजरीवाल और बिहार में नीतीश कुमार प्रयास करेंगे कि उनकी सरकार वापस आए और वहीं विपक्षी दल इसी बात की तैयारी में लगे हैं कि उनकी सत्ता उनसे कब छीन ली जाए। नाउ गाइस, हमारी लिस्ट में 12th नंबर पे आता है मिसाइल सिस्टम। 2020 में मई या जून में 4 राफेल विमान हमारे देश में आएंगे और गाइस साथ ही रशिया डिफेंस सिस्टम S-400 मिसाइल सिस्टम भी भारत को दे सकता है और इन दोनों सिस्टम के आने से हमारा देश काफी मजबूत हो जाएगा। नाउ गाइस, हमारी लिस्ट में 13th नंबर पे आता है अमेरिका में चुनाव। 2020 में ही अमेरिका में चुनाव होंगे, वो भी प्रेसिडेंट के लिए। वेल गाइस, हमारी लिस्ट में 14th नंबर पे आता है नीदरलैंड। नीदरलैंड बंद करेगा हॉलैंड वर्ड का यूज करना क्योंकि एक देश के दो नाम होने से बहुत कंफ्यूजन पैदा होती है। हमारी लिस्ट में 15th नंबर पे आता है लिएंडर पेस का रिटायरमेंट। भारत के दिग्गज टेनिस प्लेयर इस साल रिटायरमेंट ले लेंगे। क्रिसमस की बधाई देने के वक्त उन्होंने ये अनाउंसमेंट कर दी थी कि वे इस साल रिटायरमेंट लेंगे। सो गाइस, सही थे वो इंसिडेंट जो 2020 में होंगे। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करो, वीडियो को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबा